Hey guys, we are back with a new drinking video. Dude, आज फिर से एक बियर पे वीडियो है, लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। बाकी हम लोग ने बहुत सारे बियर पे वीडियो बनाया है, लेकिन आज का जो वीडियो है ना वो बहुत अलग है। आज हम लोग एक लाइट बियर और एक स्ट्रॉन्ग बियर पे कंपेयर करेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में कभी भी लाइट बियर ट्राई नहीं किया है, और उससे भी मज़ेदार बात है कि दोनों सेम ब्रांड के हैं, दोनों ही बडवाइज़र, एक बडवाइज़र मैग्नम और एक बडवाइज़र प्रीमियम लाइट। तो भाई देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो है मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो वही देखना है कि ये कैसा है। ये तो बहुत बार ट्राई किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। तो भाई सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं लाइट बियर, बडवाइज़र लाइट। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सो भाई बडवाइज़र, ये बडवाइज़र प्रीमियम किंग ऑफ बियर्स, यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगे। ये 5% है, ऐसे 4% बहुत लोग कहते हैं 4%, लेकिन यहाँ पे 5% लिखा हुआ है, 5% अल्कोहल, 500 ml का ये बोतल है। और इसका प्राइस जो है वो है 120 rupees। तो लेट्स सी। ओहो फोम तो भाई काफ़ी ज़्यादा हुआ है भाई, देख सकते हो। तो ये तो सबका मानना है कि अगर फोम ज़्यादा है तो मतलब बियर बहुत अच्छा है। तो बडवाइज़र ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बडवाइज़र किसको नहीं पसंद। लेकिन ये वाला जो रेड कलर का जो लाइट वाला है वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो वही देखना है। और हम लोग इसको रेड भी करेंगे, देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। चीयर्स। ओ भाई ये कोरोना से भी ज़्यादा स्मूथ है, पता है। कोरोना इतना प्रीमियम, लोग कहते हैं ना कि कोरोना दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, मतलब सबसे कॉस्टली में से और सबसे पॉपुलर जो है वो कोरोना ही है। लेकिन भाई ये तो उससे भी ज़्यादा स्मूथ है। ओह माय गॉड, बहुत स्मूथ है भाई ये तो। मतलब थोड़ा सा भी ऐसा कोई होता है, बहुत बियर में होता है कि गंध होता है, फिर मुंह में लगता है तो अजीब सा एक टेस्ट आता है, लेकिन ये बहुत स्मूथ है, बहुत सुंदर है। बबल्स क्रिएट हो रहे हैं छोटे छोटे से भाई, ये तो मेरे हिसाब से 10 out of 10 है, बहुत सुंदर है। मतलब अब जिसको नशा चाहिए मैं कहूँगा फिर तो इसको मतलब एक पेटी पीना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 बोतल, तब जाके शायद कुछ नशा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत स्मूथ है और काफ़ी अच्छा है, इट्स ब्यूटीफुल। अगर लॉन्ग टाइम के लिए पी रहे हो कि कोई पार्टी में हो, मज़ा कर रहे हो, तो मैं कहूँगा भाई ये सबसे बेटर है यार, जल्दी से चढ़ेगा भी नहीं और स्मूथनेस में तो कमाल का है। ब्यूटीफुल, 10 out of 10। तो भाई नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं बडवाइज़र मैग्नम। हाँ भाई ये भी 500 ml का है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये 8% अल्कोहल है इसमें। और इसका जो प्राइस है इस कैन का, तो उसका प्राइस कुछ 140 rupees, 20 rupees एक्स्ट्रा है। तो ये 140 rupees का है, 500 ml, 8% अल्कोहल। देखते हैं कैसा है। कलर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे वो उसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा यार, रेड कलर मेरा फेवरेट है। इसका फोम थोड़ा कम है भाई, मतलब उसके हिसाब से, रेड वाला जो लाइट बियर था उसके हिसाब से ये कम है, देख सकते हो कितना जल्दी ये डाउन में जा रहा है, काफी ज्यादा जल्दी ये इवेपोरेट हो जा रहा है। देखते हैं, भाई ये मुझे अभी तक ना हमेशा स्मूथ लगता था, बहुत मीठा मीठा लगता था बाकी किसी भी बियर से, लेकिन आज पहली बार मुझे ये अजीब टेस्ट कर रहा है, मतलब बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है भाई। ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे लिटरली भाई, वो बहुत अच्छा था वो रेड वाला, जो मतलब लाइट बियर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। टेस्ट में कहूँगा तो बहुत अच्छा है,
नशे के लिए मैं नहीं बोल रहा, वो तो ऑब्वियसली तुमको पता ही है कि एक 4% 4-5% है, एक 7-8% मतलब टोटली डबल। तो नशा में तो ये होगा, लेकिन टेस्ट के हिसाब से भाई वो बेस्ट था। अगर मैं टेस्ट के हिसाब से बोलूँ तो भाई ये तो लाइक 8 out of 10 है, गुड है, काफ़ी अच्छा है। बडवाइजर इज़ अ वेरी बिग ब्रांड और बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी भाई उसके जैसा नहीं है। और उसको पीने के बाद तो ये बहुत फीका फीका लग रहा है, लिटरली बहुत फीका फीका लग रहा है, अजीब टेस्ट लग रहा है। ठीक है, मतलब 8 out of 10। सो भाई आज के लिए इतना ही था, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। भाई मुझे तो ये वीडियो बनाने में बड़ा मजा आया, लेकिन ये मतलब इसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूँगा भाई ये बहुत अच्छा है, इट्स लाइक ब्यूटीफुल। ये टेस्ट के हिसाब से तो यही जीता 10 out of 10, ये 8 out of 10, बट इट्स नॉट बैड, 8 out of 10 अच्छा ही होता है भाई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका अल्कोहल ज़्यादा होने के कारण ना ही इसका थोड़ा टेस्ट अजीब आ रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना खट्टा टाइप, खट्टा मीठा टाइप का, ये बहुत मीठा है, स्वीटनेस, क्या बात है। मुझे तो भाई ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी ना कभी तुम लोग ने भी ट्राई किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो जाके ज़रूर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, बडवाइजर मैग्नम या बडवाइजर प्रीमियम लाइट वाला। तो आज का वीडियो आज के लिए इतना ही था, आई होप भाई थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है, तो जल्दी जाने से पहले इतना देख लियो, तो लाइक और शेयर भी करते जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब द चैनल, बाय।